प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में बृहस्पति वैसे तो सबका गुरु है, सबका कल्याण करता है, सबके ऊपर कृपा करता है, लेकिन बृहस्पति का महिलाओं के जीवन से बड़ा गहरा संबंध होता है और महिलाओं का पूरा जीवन अगर देखा जाए तो बृहस्पति से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है। आज हम ये जानेंगे कि महिलाओं के विवाह से बृहस्पति का क्या संबंध है, वो उनके विवाह को और वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि महिलाओं के विवाह से बृहस्पति का क्या संबंध है। देखिए, किसी भी महिला के व्यक्तित्व के लिए और विवाह के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। किसी महिला के व्यक्तित्व को और विवाह को प्रभावशाली बना देता है। बृहस्पति महिला के स्वास्थ्य पर और संतान पर भी असर डालता है। महिलाओं का अच्छा बृहस्पति अगर हो तो महिलाएं एक कुशल गृहिणी बनती हैं, एक बहुत अच्छी हाउस वाइफ बनती हैं, परिवार को भी बेहतर तरीके से संभालती हैं और इनका करियर भी अच्छा हो जाता है। यानी महिलाओं के पूरे व्यक्तित्व को अकेला बृहस्पति बहुत अच्छा बना सकता है। महिला का अच्छा बृहस्पति उनके सुखद जीवन की गारंटी है। यानी अगर किसी महिला का बृहस्पति अच्छा होगा, उसका करियर अच्छा होगा, उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, शादी समय से होगी और वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिसके इर्द गिर्द महिलाओं का जीवन घूमता है, वो बृहस्पति की वजह से बेहतर हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे और जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, महत्वपूर्ण काम इस समय आपको निपटा लेने चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ होगा आपको और लाभकारी यात्रा भी इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि किसी महिला का अगर बृहस्पति खराब हो तो बृहस्पति के खराब होने के परिणाम क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होते हैं। देखिए, बिना बृहस्पति के ना तो महिलाओं का विवाह होगा और अगर किसी वजह से हो गया तो वो चलेगा नहीं। बृहस्पति अगर कमज़ोर हो तो विवाह में बहुत विलंब होता है, बहुत प्रयास करने पर ही जीवन में सुख आ पाता है। बृहस्पति खराब हो तो या तो विवाह होगा नहीं, या तो विवाह में बहुत विलंब होगा और वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर बृहस्पति दूषित हो, शनि या राहु से प्रभावित हो तो महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना सकता है। देखिए, अगर किसी महिला का बृहस्पति कमजोर है तो उसे बेहतर करके जीवन को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी महिला का बृहस्पति खराब है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, विवाह करने के मामले में भी और विवाह चलाने के मामले में भी। बृहस्पति के लिए कौन से उपाय किए जाएंगे इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले
कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, यात्राओं में सावधानी रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब अगर किसी महिला के विवाह में विलंब हो रहा है तो उस विलंब को दूर करने के लिए बृहस्पति के कौन से उपाय करें? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिए। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में धारण करिए और सप्ताह में एक बार किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के प्रार्थना करिए। ऐसी स्थिति में पीला पुखराज भी पहना जा सकता है, लेकिन वो सोच समझ कर ही धारण करना बेहतर होगा। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, काम की आपके अधिकता रहेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम में सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ होगा, विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। धनु राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, ऑफिस में विवाद हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि अगर किसी महिला को अपना वैवाहिक जीवन अच्छा रखना है तो वो बृहस्पति का कौन सा उपाय करेंगी। रोज सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी मिला के जल अर्पित करें। सुबह शाम 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ें हल्दी की माला से। घर में सात्विक माहौल बनाए रखें और कम से कम सप्ताह में एक बार घर में सब लोग मिलकर के पूजा उपासना करें, घर का माहौल बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, महत्वपूर्ण काम अपने निपटा लेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय।
सुबह के समय आज भगवान कृष्ण को चंदन का तिलक लगा दीजिएगा और इसके बाद वही चंदन अपने आप को कंठ पर और माथे पर लगा लीजिएगा। ये छोटा सा काम अगर आज सुबह कर लेंगे तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।